नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण भाग पढ़ेंगे और व्याकरण भाग में हम धातु रूपाणी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि धातु क्या होती है। धातु हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं उसे संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु है, जैसे खा, और खा से क्या बन गया, खाना, पी, पीना, चल, चलना, रो, रोना, हंस, हंसना। तो इस प्रकार से जो अगर हम सीधे शब्दों में धातु की परिभाषा करते हैं तो क्रिया का मूल रूप संस्कृत विषय में धातु रूप कहलाता है। धातु मूल रूप से जैसे हिंदी में खा खाना, चल चलना, रो रोना, हंस हंसना होती है, वैसे ही संस्कृत में इसके रूप चलते हैं। वो रूप किस प्रकार से चलते हैं, जैसे खा खाना है तो खादति, खादत, खादन्ति। हम इसको बाद में करेंगे, पहले हमें धातु रूप में यह समझना है कि यह पांच तरीके से इसके जो है लकार चलते हैं। धातु रूप को हम लकार, लकार का मतलब होता है काल, समय। जैसे हम हिंदी में काल पढ़ते हैं वैसे ही जब हम संस्कृत में इसको करते हैं तो यह लकार कहलाते हैं। लकार का मतलब होता है काल और काल माने समय, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि लकार जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। पांच, पहला लट लकार, दूसरा लृट लकार, तीसरा लोट लकार, चौथा विधिलिंग लकार, और पांचवा कौन सा लकार होता है। हमने शुरू से पढ़े हैं ना, सिक्स क्लास से हम लकार पढ़ते आए हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। तो ये जो लकार होते हैं, और लंग लकार, इसको जरूरी नहीं है कि हम क्रम वाइज से याद करें, हमें लकार याद होने चाहिए कि लकार पांच प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि तीन प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वैसे ही संस्कृत में जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल कहलाता है, लृट लकार जो होता है वो भविष्य काल कहलाता है, और लंग लकार माने भूतकाल कहलाता है। उसके बाद में लोट लकार जो हम आज्ञार्थक या आदेशात्मक में काम लेते हैं, जैसे जाओ बाहर जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, जिसमें हम आदेश देते हैं या कोई आज्ञा देते हैं उसमें लोट लकार होता है। और लास्ट हमारा होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जिसमें हम देखो आज्ञा देना या आदेश देना लोट लकार में भी होता है और विधिलिंग लकार में भी होता है, परंतु दोनों में अंतर यह होता है कि विधिलिंग लकार में प्रार्थना करके जो है आज्ञा दी जाती है। तो विधिलिंग लकार हम इच्छात्मक या मंगल कामना करने के लिए विधिलिंग लकार का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे चिरंजीव, शादी के इनविटेशन कार्ड में आप लोग देखते हैं ना, चिरंजीव, आयुष्मती, आयुष्मान, तो ये सब क्या है, विधि लिंग लकार में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि पांच प्रकार का जो है लकार के भेद होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, ये पांच लकार हो गए। अब आज हम जो है चर्चा करेंगे लट लकार पे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, जो हाल फिलहाल चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल। अब कुछ मूल रूप से मैं आपको कुछ धातुएं बताती हूँ, जैसे खाने के अर्थ में खाद धातु, पीने के अर्थ में इब धातु, चलने के अर्थ में चल धातु, बोलने के अर्थ में वद धातु, हंसने के अर्थ में हस धातु, दौड़ने के अर्थ में धाव धातु, समझ में आ रही है। और इनके जो रूप होते हैं धातु रूपाणी, अब हम हमारे जो मुख्य हमारा उद्देश्य है आज का धातु रूप उनको समझेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक जो है सारे लकारों का जो अध्ययन करेंगे। तो अभी हम करते हैं लट लकार।
अब आप देखिए यहाँ पे खाद धातु है, और हमेशा याद रखना है आप लोगों को, जब आप सिर्फ धातु को लिखते हैं तो आपको उसके नीचे हलंत लगाना है। हलंत मतलब आधा वर्ण। हलंत लगा करके, अगर आप हलंत नहीं लगाते हो तो वो धातु धातु है जो मानी नहीं जाएगी। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि पुरुष जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, जो हम हर टेबल में करेंगे, चाहे कोई भी लकार हो हमारे पास, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर विसर्ग लगाया हुआ है, यहाँ पर ये जो है विसर्ग है, और इसकी ध्वनि क्या होती है, ह की ध्वनि। जब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन प्रकार के पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद में तीन वचन, हमने हिंदी में दो वचन पढ़े, एक वचन और बहुवचन। अब हम संस्कृत में तीन वचन पढ़ेंगे, पहला एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, और तीसरा बहुवचनम। समझ में आ गई? जब इसकी टेबल बनानी है, इसकी सारणी बनानी है, या इसकी हम कह सकते हैं तालिका बनानी है, तो सबसे पहले आप धातु लोगे। अगर यहाँ जैसे यहाँ पर खाद धातु है, यहाँ पे हो सकता है कि पट धातु हो, तो हमें पट लिखना है हलंत लगा करके और उसका अर्थ लिखना है। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा पट, ठ के हलंत लगाया और ब्रैकेट में जो है मैंने लिखा पढ़ना, पढ़ने के अर्थ में कौन सी धातु है, पट धातु। खाने के अर्थ में कौन सी धातु है, खाद धातु। हम पहला कर रहे हैं लट लकार वर्तमान काल, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो टेबल बनाते समय हमें दो चीजों का खास करके ध्यान रखना है, पहला पुरुष है जिसमें आप तीन पुरुष लिखोगे, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। उसके बाद में आप वचन लोगे, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। क्लियर? अब हम इसकी जो टेबल है वो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये जो चलती है, खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथ, खादत, खादामी, खादावह, खादामह। इसको सरल बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सरल बनाने के लिए कि हमें बार बार जो है धातु रूप वर्तमान काल में लट लकार याद नहीं करना पड़े, तो आप लोग इसके प्रत्यय जो है वो अपनी कॉपी में कीजिए। कैसे करना है प्रत्यय को, जैसे जो शब्द के बाद में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमारा जो शब्द है वो यहाँ पर क्या है, खाद। खाद में हमने अति लगाया, देखो अ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, परंतु जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम बोलते हैं तो खादती, खाद प्लस अति, खादती। तो सीधा इसको आप कीजिए, ई प्रत्यय, तह प्रत्यय, अंति प्रत्यय, सी प्रत्यय, अथ, अथ, आमी, आवह और आमह। इन प्रत्ययों के सहयोग से आप कोई भी धातु जो है लट लका वर्तमान काल में आप बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा पट, मान लीजिए अभी हम खाद धातु की जगह पट धातु कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावे, पठामह। सेम है, सिर्फ धातु जो है वो चेंज हो गई आगे वाली। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे धाव धातु, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक समझने के लिए आपको दिखाया गया है। आप स्वयं से मेरे साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने मन में लेके चलिए, या मेरे साथ उच्चारण कीजिए, तो आप लोगों को स्वयं ही भी वो जो टेबल है जी वहां पर आती रहेगी। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कहा हम वद धातु करते हैं, वद याने बोलना, बोलने के अर्थ में वद धातु का प्रयोग होता है। लट लकार में सारा वैसे ही धातु रूप चलेगा। जैसे देखो वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथ, वदत, वदामी, वदावह, वदामह। समझ में आई बात? अगर हम ऐसे ही हस धातु को लेते हैं लट लकार में तो कैसे बनेगी, हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसथ, हसत, हसामी, हसावह,
हसामह, सेम वही चीज है, वैसे ही चल रही है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप एक लट लकार में एक धातु रूप याद कर लेते हैं तो आपको किसी के अर्थ में कोई भी धातु हो सब याद हो जाएगी। सिर्फ आपको पुरुष ध्यान रखना है और एक बार प्रत्यय को आपको याद करना है। जब प्रत्यय याद हो जाएंगे तो सिर्फ हमें उन प्रत्यय के आगे जो है शब्द को लगाना है। अगर यहाँ पर जैसे अभी अपन करते हैं, मान लीजिए अपन ने यहाँ पे खाद की जगह चल ले लिया, चलने के अर्थ में, तो खाना की जगह चलना आ गया। और कैसे बनाएंगे उसको, चलती चलतः चलंती, चलसी चलता चलत, चलामी चलावह चलामह। इस प्रकार से मैंने आपको 5 या 6 जो है उदाहरण के द्वारा लट लकार वर्तमान काल जो है समझाया। अब आप कुछ धातु जो है लीजिए और अपने आप इसको करने का जो है प्रयत्न कीजिए, ताकि हमारी जिह्वा और हमारे मस्तिष्क में वो बैठ जाए और हम स्वयं में भी उसको आगे से आगे जो है बोलते जाएंगे। तो आपको लट लकार वर्तमान काल जो है वो समझ में आया होगा। तो बच्चों, अभी हमने समझा कि जो लकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, हमने 5ों के नाम भी समझे। आज हमने लट लकार वर्तमान काल का अध्ययन किया और मैंने आपको जो है खाद धातु का एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया, और कुछ अन्य धातुओं का सहारा लेकर या सहायता लेकर मैंने आपको धातु रूप जो है लट लकार में किस प्रकार से बनते हैं वो समझाए। आशा करती हूँ आपको लट लकार अच्छे से भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको याद कीजिए और अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए कुछ और धातुओं का अपने आप से जो है वाचन कीजिए, लेखन कार्य कीजिए। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।